नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सब्यसाची गुप्ता। मैं आप लोगों को आज कोरोना वायरस इन्फेक्शन और उससे होने वाले बस्ट लंग सिंड्रोम के बारे में बताऊंगा। लोगों के मन में एक भ्रांति चल रही है कि मास्क पहन के एक्सरसाइज करना, दौड़ना, भागना, इससे बस्ट लंग सिंड्रोम हो जाता है। असल में दो न्यूज़ आई थी, दो लड़के थे चाइना के जिनको दौड़ते हुए जिनकी डेथ हुई, और एक कोई यूरोपियन कंट्री का जिसकी डेथ हुई, जिस वजह से ये बात सामने आई है। ऑल दो उन लोगों का ऑटोप्सीज नहीं हुए थे तो इसलिए कारण नहीं पता कि उनकी डेथ क्यों हुई है, लेकिन जो बस्ट लंग सिंड्रोम है या जो मास्क पहन के दौड़ने वाली बात है, नॉर्मल में देखा जाए तो एथलीट्स जो तैयार किए जाते हैं ओलंपिक के लिए, उन लोगों की लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए धीरे धीरे उन लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाता है मास्क पहन के दौड़ने का। उन लोगों को मास्क पहन के दौड़ने से धीरे धीरे उनकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि अपन ने अगर एक्सरसाइज करते वक्त अपन ने मास्क पहना तो अपन को बस्ट लंग सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन मेरी तरफ से राय ये है कि अगर अपन खुले में दौड़ रहे हैं या अपना जहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई भी नहीं है तो मास्क का यूज़ ना करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस करवाई जाती है बाकी प्लेयर्स को, उनको दो दो मिनट का मास्क पहनाया जाता है, फिर उतारा जाता है, फिर पहनाया जाता है, फिर उतारा जाता है। अगर मास्क पहन के आप दौड़ रहे हैं इस समय आपका नाक भी बंद है, मुंह भी बंद है, और जैसे जैसे अपनी सांस खुलती रहती है तो अपन लोग मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं। अगर मास्क सामने लगा हुआ हो तो उससे अपन को मुश्किल आ सकती है। इसलिए कोशिश ये करें कि जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस वाले एथलीट्स ना हो वो लोग मास्क को कम से कम उपयोग करें जब अपन खुले वातावरण में दौड़ रहे हो या जब अपन अपने घर पर ही एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसे टाइम पर अपन को मास्क का यूज़ नहीं करना चाहिए। Thank you.